चलो जय हिंद बच्चों। तो टेंस का हम क्या बोले थे, मास्टर पेज अब हम आप लोग का बना देते हैं। मास्टर मास्टर पेज फोर ऑल टेंसेस, मास्टर पेज फोर ऑल टेंसेस, सभी टेंस का एक मास्टर पेज बन रहा है। यानी जितना टेंस पढ़े ना, सारा टेंस का फॉर्मूला पहचान हम सब एक जगह अब आपको ला रहे हैं। तो अब यहाँ एक जगह कर रहे हैं, इसको बारीकी से समझिए। टेंस को हम आपको मात्र चार ग्रुप में रखेंगे जी, मात्र चार ग्रुप में हम आपका टेंस को रखेंगे। एक नंबर एक में सबसे पहला हो जाएगा, एक नंबर में देखो सिंपल टेंस जो होता है वो तीन होता है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। सिंपल टेंस कितना हो गया, तीन, सिंपल प्लस सब में लग जाएगा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। अब देखो सिंपल टोटल टेंस आपका कितना हो रहा है जी, बराबर थ्री, तीन गो हो गया सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। जितना भी सिंपल है, हर सिंपल का एक ही पहचान होता है। क्या पहचान होता है, अब देखो सिंपल एक होता है, ता है, ते है, ती है, ये अगर सेंटेंस के अंत में लगा तो ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। अगर इसमें मान लो याकार, येकार, ईकार पर कोई वाक्य रुकता है तो ये सिंपल पास्ट होता है, और अगर गा गे गी लगता है तो ये हो जाता है आपका सिंपल फ्यूचर। तीन टेंस का तीन पहचान है, ता है, ते है, ती है, ताहूं, याकार, येकार, ईकार, गा गे गी अगर ये सब लगा हुआ है तो ये सब हो जाता है आपका तीनों सिंपल का पहचान। और तीनों सिंपल को बनाने का स्ट्रक्चर एक ही होगा, सब्जेक्ट सबके साथ यूज होगा। सब्जेक्ट के बाद अगर मान लो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आपको भी वन या भी फाइव चलाना है, और अगर सेंटेंस हमारा सिंपल नहीं, सिंपल पास्ट अगर होता है तो आपको सीधा सब्जेक्ट के बाद भी टू चलाना है, और अगर हमारा सेंटेंस होगा सिंपल फ्यूचर तो इसमें हम लोग को चलाना है सेल या विल प्लस भी वन। इसको इस तरह से हम लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको इस तरह से समझिए। कोई भी सिंपल प्रेजेंट, जितना भी सिंपल वाला है, चाहे ये सिंपल प्रेजेंट हो, चाहे ये सिंपल पास्ट हो, चाहे ये सिंपल फ्यूचर हो, कोई भी, तो ये सब टेंस को बनाने का सीधा रूल है कि सब्जेक्ट तो कॉमन हो गया, ये सबके साथ हो जाएगा। इसके बाद बस इतना चीज पर ध्यान रखना है, सिंपल भी वन भी फाइव सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में सीधा सब्जेक्ट के बाद भी टू, और सिंपल फ्यूचर में सेल या विल प्लस भी वन। तो टोटल सिंपल देखो एक साथ आपका आ गया, तीन टेंस इधर हो गया, तीनों का बनाने का एक रूल है। जैसे छोटा छोटा एग्जाम्पल, वह वहाँ जाएगी, वह वहाँ जाएगी, वह वहाँ जाती है, वह वहाँ जाती है, या आप फिर कहिएगा कि वह वहाँ गई, वह वहाँ गई, या आप सीरियल ले लीजिए, सीरियल ही ले लेते हैं, वह वहाँ जाती है, वह वहाँ जाती है, दूसरा है वह वहाँ गई, दूसरा है वह वहाँ जाएगी, वह वहाँ जाएगी। अब ये तीनों सेंटेंस आपका सिंपल में हो गया, तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट, ये हो गया सिंपल पास्ट, और ये हो गया पहचान सिंपल फ्यूचर का। बनाने का हर सिंपल का एक ही रूल है, जितना भी सिंपल है सभी सिंपल को बनाने का एक ही रूल चलेगा, सब्जेक्ट सबके साथ लगेगा, सब्जेक्ट सबके साथ लगेगा। तो हम यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट सारा वह का हम यहाँ सी लिखेंगे, अब जाती है का सी के अनुसार से गोज देयर,
अब ये वाला अगर हम बनाए फिर सब्जेक्ट सी गो का वी टू हो जाएगा वेंट यहाँ पे देयर, और गागेगी वाला में जब जाएंगे तो यहाँ आपका बन जाएगा सी विल गो देयर। देखिए सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ आपका अगर अंतर आया है तो देखो किस में अंतर आया है, वर्ब में अंतर आया। कहे सिंपल प्रेजेंट होगा तो वी वन वी फाइव, सिंपल पास्ट होगा तो वी टू, और सिंपल फ्यूचर होगा तो सेल या विल प्लस वी वन। बस इतना ही चीज़ हम लोग को इसमें लगाना है। ये एक टेंस हुआ, अभी हम उसी रूल पर हैं तो एक टेंस। अब दो नंबर हमारा फिर कहता है कि कंटिन्यूअस भी इसके बाद होता है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस भी होता है तीन। कौन कौन कंटिन्यूअस जी? तो एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर होता है पास्ट कंटिन्यूअस, और फिर होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस भी तीन होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। टोटल कंटिन्यूअस का भी संख्या हो जाता है तीन, ये भी तीन। तो सब कंटिन्यूअस का एक ही पहचान होता है। पहचान क्या होता है कि वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में अगर रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, रहे हो लग जाए तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर इसमें रहा, रहे, रही के बाद रहा था, रहे थे, रही थी लग जाएगा तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर इसी में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये सब अगर लगा हुआ है तो फिर ये टेंस हो जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। और हर कंटिन्यूअस को बनाने का एक ही स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद, सिर्फ ये अंतर आपकी आएगी कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसमें आपको चलाना है इज एम आर, अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें चलाना है वॉज या वर, और अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो आपको चलाना है शैल बी या तो विल बी, शैल बी या विल बी। सब्जेक्ट सबके साथ, और इसके बाद वी फोर भी सबके साथ, कोई भी कंटिन्यूअस हो सब में वी फोर होगा, सब में सब्जेक्ट होगा। और यहाँ सिर्फ आपको टेंस के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते रहना है। जैसे अब इसमें, अब देखो इसमें टोटल कितना टेंस जी? तीन टेंस, तीन तीन छः टेंस। छः टेंस को जानने के लिए देखो कितना पहचान, तातेति मतलब इनडेफिनिट, जिसको सिंपल बोलते हैं, तातेति का मतलब सिंपल, और रहा, रहे, रही का मतलब कंटिन्यूअस। तातेति का मतलब सिंपल है लग गया तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, था थे थी लग गया तो सिंपल पास्ट, गागेगी लग गया तो सिंपल फ्यूचर, रहा, रहे, रही लग गया तो कंटिन्यूअस, है दिख जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, था थे थी दिख जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस, गागेगी दिख जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो दो ही पहचान याद किए, है था गा से टेंस का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बदलता रहता है, बाकी सब कुछ सेम होते थे। इस तीन टेंस का यहाँ एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। मैं वहाँ जा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसी में कर देंगे अगर मैं वहाँ जा रहा था, मैं वहाँ जा रहा था, अगर हम ये कर देते हैं, और इसी में अगर हम ये कर दें कि मैं वहाँ जा रहा होऊंगा, तो देखो सब एक ही टेंस है, सब है कंटिन्यूअस। रहा, रहे, रही के बाद है, हूँ, है, हो लगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, था, थे, थी लगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, गा, गी, गी लगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। सभी का सब्जेक्ट आई है और सब में वी फोर ही होगा। अगर रहा है लग गया तो आई एम गोइंग देयर, ये बनेगा पहला का। दूसरा का आप अपने से बना सकते हैं, आई वॉज गोइंग देयर, खाली हेल्पिंग वर्ब का अंतर हो रहा है, आई वॉज गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा होऊंगा, ये आपका बन जाएगा आई शैल बी गोइंग देयर। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, और यही हेल्पिंग वर्ब को हम आगे करते जाएंगे तो ये आपका इंटरोगेटिव बनता जाएगा। इसी में अगर हम नोट भी लगाते जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा? इंटरोगेटिव, जैसे एम आई नोट गोइंग देयर, वॉज आई नोट गोइंग देयर,
यहाँ बन जाएगा फिर सेल आई नॉट बी गोइंग देयर, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसी में आगे टर्म लगा दीजिएगा तो ये आपका अपने बदल कर टर्म प्लस नेगेटिव हो जाएगा। इसी लकीर में चलिएगा, अब आपका तीन नंबर में है, तीन नंबर में क्या परफेक्ट टेंस भी होता है तीन, परफेक्ट भी होता है तीन, कौन कौन परफेक्ट जी, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ये टेंस का भी संख्या तीन। परफेक्ट भी होता है तीन, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, हर परफेक्ट का एक ही पहचान होता है क्या, तो वर्ब के अंत में लगा रहता है, अगर ये लग जाएगा चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूं, तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर लग जाएगा चुका था, चुके थे, चुकी थी, तो पास्ट परफेक्ट, अगर लग जाएगा चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, चुकूंगा, तो ये हो जाए, सभी हो जाएगा आपका कौन परफेक्ट। तो ये आपका हो गया कौन प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये हो गया हम लोग का क्या जी पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और ये हो गया हम लोग का फ्यूचर परफेक्ट। तो ये भी हम लोग का तीन, ये कहाँ लगा रहेगा, किसी न किसी वर्ब में लगा रहेगा। अब इसको बनाने का सीधा सा रूल है, स्ट्रक्चर है, सब में होगा सब्जेक्ट, अगर ये है ले लिया तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव लगता है, अब इसी को पास्ट परफेक्ट में ले जाना है हैड कर देंगे, फ्यूचर परफेक्ट में ले जाना है तो सेल हैव या विल हैव लगाएंगे, है ना, ये सब सब्जेक्ट सबके साथ, और इसके बाद जो वर्ब होगा इसमें भी थ्री चलता है, अने परफेक्ट में ध्यान रखना है हैज हैव प्लस भी थ्री चलता है, हैज हैव का पास्ट फॉर्म हैड होता है और हैज हैव का फ्यूचर फॉर्म सेल हैव या विल हैव होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब को आप बदल दीजिए आपका सेंटेंस बनता चला जाएगा। जैसे सेंटेंस लेते हैं, आपने ऐसा किया है, दूसरा सेंटेंस आपने ऐसा किया था, और इसी में आपने ऐसा किया होगा, आपने ऐसा किया होगा, तीनों का सेम बनेगा। आपने ऐसा किया है, देखो इसका क्या बन जाएगा, यू हैव डन सो, ये बन गया पहला, आपने ऐसा किया था, खाली हैड चेंज करेंगे, हैव कर देंगे, यू हैड डन सो, ये बन गया, आपने ऐसा किया होगा, यहाँ खाली हेल्पिंग वर्ब, यू विल हैव, और फिर बन गया डन सो, सिर्फ आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, आपका सेंटेंस ऑटो बनता जा रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका परफेक्ट टेंस। कोई भी परफेक्ट का एक ही पहचान होता है, खाली है था गा और उसके अनुसार से हेल्पिंग वर्ब आपका चेंज हो जाएगा। अब आपका लास्ट बचता है जी चार नंबर में कंटिन्यूअस, चार नंबर में क्या है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस भी होता है हम लोग का तीन, कौन कौन जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट, ये ले लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं इसको, तो हमारा चार नंबर है, इसमें होता है एक लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है तीन प्लस, कौन कौन, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस टेंस का भी संख्या हो गया टोटल तीन। जितना भी कंटिन्यूअस होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सबका एक ही पहचान है, क्या पहचान है, तो इसमें कोई भी वर्ब के अंत में लगा रहता है ता आ रहा, अगर हम इसके बाद है लगा दिए तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ता आ रहा के बाद था लगा दिए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और अगर ता आ रहेगा लगा दिए तो ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसी भी वर्ब के अंत में ये लगा रहेगा, तो जिस वर्ब में भी ये लग जाए, अने ये वर्ब में ये सब लग जाए तो ये इसका पहचान हो गया, ये हो गया आपका कोई न कोई परफेक्ट कंटिन्यूअस।
अगर है वाला रहेगा तो देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या चलेगा जी, हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन। था वाला होगा तो इसमें आपका चलेगा हैड बीन, और अगर ता आ रहेगा वाला चलेगा तो इसमें हो जाएगा आपका शैल हैव बीन, या इसके बदले में आपको चलेगा विल हैव बीन। बाकी सब कुछ सेम होता है, जितना भी रहा वाला सेंटेंस होता है सब में भी फोर होता है, अने वर्ब के बाद ये सब जितना भी है। तो बनाने का यही रूल रहेगा, सब्जेक्ट प्लस, अगर मान लो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आपको इसमें हैज या हैव प्लस बीन लगाना है, अगर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आपको यहाँ हैज हैव के बदले में सिर्फ हैड लगाना है, और अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो आपको इसमें विल या शैल और इसमें हैव भी लगता है, और प्लस इसमें बीन और इसमें सब में हो जाएगा बिफोर। वह दो दिनों से जा रही है, वह दो दिनों से जा रही है। सी हैज बीन गोइंग फॉर 2 days। अब इसी में मान लो जा रही थी कर दिया, सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ यहां आपका हैड हो जाएगा, बाकी सब कुछ यही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जा रही होगी कर दे तो सब कुछ यही रहेगा, यहां पे सी विल हो जाएगा सिर्फ आपका, शी विल हैव बीन, बाकी सब सेम रहेगा, गोइंग भी फॉर भी 2 days ये सब सेम। तो आपका टोटल देखिए 12 टेंस हो गया, तो 12 टेंस में आपको कितना पहचान याद करना पड़ा, 3 मात्र दिखा रहे हैं आपको, 3 कैसे, एक बार यहाँ देखो, एक याद किए ताते ती, एक याद किए आप रहा रहे रही, 4 याद किए, और एक याद किए हम लोग चुका चुके चुकी, और एक याद किए हम लोग ता आ रहा, 4 याद करना। ता तेती जिसमें लगा है समझ जाना है वो सिंपल होगा, है लग गया तो सिंपल प्रेजेंट, था थे थी लगा तो सिंपल पास्ट, गागी गी लगा तो सिंपल फ्यूचर, 3 यहाँ हो गया। रहा रहे रही का मतलब समझना है, कोई न कोई कंटिन्यूअस होगा, अगर रहा के बाद है लग गया तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, था लग गया तो पास्ट कंटिन्यूअस, गागी गी लग गया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, यहाँ भी आपका हो गया 3। चुका चुके चुकी का मतलब आपको याद रखना है परफेक्ट, चुका चुके चुकी का मतलब याद रखना है परफेक्ट, और परफेक्ट का मतलब याद रखना है हैज हैव प्लस V3। चुका चुके चुकी का मतलब परफेक्ट। चलो अब यहां देख लो, यहां पे और एक बना देते हैं पेज, ता ते ती का मतलब सिंपल, ता ते ती का मतलब सिंपल, और सिंपल का मतलब या तो V1 V5 या तो V2 या तो सेल या विल प्लस V1, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखना है, एक हो गया ये। अब देखो रहा रहे रही का मतलब, रहा रहे रही का मतलब कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो वॉज या वर, और अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा तो सेल बी या विल बी, और सब में प्लस V4। अनेक कंटिन्यूअस का मतलब आपको याद रखना है इज एम आर प्लस V4, वॉज या वर प्लस V4, सेल बी या विल बी प्लस V4। रहा रहे रही का मतलब कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस का मतलब इज एम आर प्लस V4। इज एम आर का पास्ट फॉर्म बदल दो वॉज या वर, उसी का फ्यूचर फॉर्म कर दो सेल बी या विल बी। इस तरह से आपको याद रखना है, एक टेंस से दूसरा टेंस, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक टहनी से दूसरे टहनी पर, बंदर की तरह चढ़ते जाइए आप, ठीक है, बंदर वाली स्टाइल, हर पेड़ पर नहीं जाना है, उसकी तरह से छलांग लगाना है, क्योंकि पूर्वज हमारा वही है, तो पूर्वज जब हमारा वही है तो उसकी तरह से कुछ कर लेते हैं, उसी की तरह एकदम छलांग मारो, एक से दूसरा में जाओ, इतना रट्टा नहीं मारना, 2 रटे, 3-3-6 आपका हो गया, सब कुछ आ रहा है। चुका चुके चुकी का मतलब क्या सीखे हम लोग, चुका चुके चुकी का मतलब आपको याद रखना है परफेक्ट, और परफेक्ट का मतलब हैज या हैव
प्लस भी थ्री, इसी को पास्ट में ले जाना है तो हैज हैव का पास्ट फॉर्म बदल दो, हैज हैव का पास्ट फॉर्म हैड होता है। इसी का फ्यूचर फॉर्म ले जाना है तो इसी को सेल हैव में या विल हैव में बदल दो, लेकिन भी थ्री फिक्स्ड है। चुका चुके चुकी का मतलब परफेक्ट, और परफेक्ट का मतलब हैज हैव प्लस भी थ्री। पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड भी थ्री, और फ्यूचर परफेक्ट होगा तो विल हैव प्लस भी थ्री या सेल हैव प्लस भी थ्री। टोटल परफेक्ट यहाँ हो गया। और अब लास्ट एक बचा आपका, तीन यहाँ हो गया, तीन तीन नो टेंस कर लिए, और एक बचा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ता आ रहा का मतलब हैज बीन या हैव बीन। पास्ट में जाएंगे तो हैड बीन, और फ्यूचर में जाएंगे तो सेल हैव या विल हैव प्लस बीन। और ये सब के साथ जितना कंटिन्यूअस है सब में भी फोर ही लगता है। ता आ रहा का मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस, है लगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, था थे थी लग जाए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, गागी गी लग जाए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैज हैव का मतलब भी थ्री होता है, हैज हैव को जब हम हैड में बदल देंगे तो पास्ट में चला गया, हैज हैव को जब हम सेल हैव विल हैव में बदल देंगे तो ये फ्यूचर में चला जाएगा। तो आप इस चैप्टर को तीन चौका बारह टेंस, एक पर चार है, चार को पहचान याद किए, चार स्ट्रक्चर, आपका पूरा टेंस खत्म हो गया। इसको बारीकी से कॉपी में लिख करके समझने का कोशिश करिएगा, टेंस बिल्कुल आपका एकदम आसान हो जाएगा। ये पूरा चिट्ठा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगले दिन फिर आते हैं, जय हिंद, कुछ नए चैप्टर के साथ, शायद लगता है कि आर्टिकल या कुछ और चीज़ पढ़ाएंगे, देखते हैं अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद।